बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक फूड सीक्रेट, और यूनिक फूड सीक्रेट में आज मैं बना रही हूँ चिकन छोले। और इसके लिए चने मैं वाइट यूज़ नहीं करूँगी, मैं काले चने यूज़ करूँगी। और चनों को मैंने गलने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ओनियन का पेस्ट बना के, और इसको गलने के लिए मैं रख दूँगी जब तक ये नरम होते हैं। उसके बाद फिर आपको बता दें तरीका। जी तो वेलकम बैक। चने बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। दाल को मैं वॉश कर लूँगी। ये वाला जो कप नज़र आ रहा है वाइट, ये वाला मैंने लिया है। इसको मैं धो के तो गला लूँगी अच्छे तरीके से। साथ ही ये जो मेरा पड़ा हुआ प्याज, लहसुन और अदरक, ये इसका मैं मसाला तैयार कर लूँगी। क्योंकि मैंने इसमें प्याज डाल के गलाया था, तो अब मैं एक ही लूँगी इसकी करी बनाने के लिए। चने मेरे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, दाल मेरी इधर तैयार हो रही है। तो मसाला मैं इधर बनाऊंगी। प्याज मैंने रख दिए हैं क्योंकि मैंने ढेर सारे प्याज डाले हुए हैं चने में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाले बनाऊंगी। इधर ये टमाटर और लहसुन का पेस्ट मेरा रेडी हो चुका है। ड्राई मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन, अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च ये मैं ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, इसको मैं ग्राइंड करूँगी दाल और चनों के साथ। दाल मेरी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, और ये दाल और थोड़े से चने लेके मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। दाल, चने और ये थोड़ा सा जो मैंने बचाया था पेस्ट, अदरक और लहसुन का, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैं ब्लेंड करके तो फिर आगे बता दें क्या करना है। पेस्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल के उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी चने और पानी। करी बनाने के लिए मैंने इसका बर्तन चेंज कर लिया। इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया तकरीबन 10-15 मिनट। चने और जो मेरा पेस्ट था, पहले पेस्ट को मैंने अच्छे तरीके से भूना था, अब मैंने इसमें चने डाल के तो भून लिया। अब मैं करी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड कर दूंगी, जो चने जिसमें मैंने तैयार किए थे। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, इसके ऊपर आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। करी भी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इससे ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी इतनी ही रखूँगी। तो चिकन छोले ये मैंने नए तरीके से बनाए हैं, न्यू ट्रेंड है। ज़्यादातर बल्कि सब लोग वाइट चने ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने काले चने से ट्राई किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। पसंद आए तो दुआ में ज़रूर याद रखिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त होंगी। अल्लाह हाफिज़।